आपको देखकर भाई मजा आ जाएगा। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई जिसको आपने दबा के प्यार दिया और हमें भी देखकर मजा आ गया, तो एक और बेस्ट वीडियो भाई हाजिर है। लेट्स अनबॉक्स दिस। ऑलराइट, पहला जूता आ गया भाई हमारे पास में, रेड के साथ होता है फुल बॉक्स देखने मिल जाएगा, लेकिन प्राइसिंग हमें पता है क्या कैसी होने वाली है। अनैप्स अनैप यहाँ वाली गाँव भाई 8699। लेट्स अनबॉक्स दिस। लेकिन भाई ये जो जूता है ना काफी ज्यादा खतरनाक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कलर की बात करें भाई, व्हाइट कलर का पूरा जूता, इसे स्नीकर समझ लो, स्पोर्ट्स शू समझ लो, लेकिन ये समझ लो एक चीज भाई जबरदस्त है। पूरी बॉडी आपको मेश के देखने को मिल जाएगी, साइड साइड में आपको रबर कोटिंग देखने को मिलेगी, और रबर कोटिंग के ऊपर ही आपको रेड टेप की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी जो कि रिप्रेजेंट करती है स्पीड को। टंग पूरा आपको मेश का देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसका जो लेस है वो थोड़ा घुमावदार है, इसकी बात बाद में करेंगे। बैक में आपको एक पुल टैब मिलता है, ऊपर में आपको पुल टैब मिल जाएगा, साइड साइड की पैडिंग भाई टॉप नॉच है। इनसोल की अगर पैडिंग की बात करें ना, फर्स्ट ऑफ ऑल कलर इज वेरी घटिया ग्रीन कलर, हु डज दिस, डिस्गस्टिंग। लेकिन क्वालिटी भाई इनर सोल की काफी ज्यादा अच्छी है। ओवरऑल अगर वेट की भी बात करें ना, सारी चीजों को निकालते हुए देखो जूते के साइज के हिसाब से बहुत ज्यादा हल्का लग रहा है। बैक की तरफ में आपको एक प्लास्टिक का प्लेट देखने को मिल जाएगा जिसके ऊपर सिल्वर की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। हालांकि ये जो डिजाइनिंग है ना मल्टीपल जूतों में इन्होंने डाली है, जिसको आप बाद में आगे जाकर देखोगे। मिड सोल की अगर बात करें, यू विल बी सरप्राइज्ड, इतना ज्यादा अच्छा स्मूथ कुशनी इसका मिड सोल है। लेकिन बस उसमें जो टेक्सचर इन्होंने दाने दाने वाले डाले है ना, वो मुझे उतने नहीं पसंद आए टू बी ऑनेस्ट। लेकिन नीचे की तरफ आपको पूरा हार्डवर्क ग्रिप मिल जाएगा, रेड टेप की ब्रांडिंग मिल जाएगी, बीच में आपको रेड टेप का लोगो मिलता है, एंड कहीं से भी ये जूता लिटरली फील नहीं होता कि भाई इंडियन कंपनी ने बनाया है। मतलब इसको ढक दो तो मैं सीधा बोलूंगा कि ये अंडर आर्मर का जूता है। हालांकि सबसे अगर बेस्ट फीचर की बात करें, इसके फ्रंट में आप ये जो नॉब देख रहे हो ना, ये इसका लॉकिंग या समझ लो कि टाइटिंग सिस्टम है जिससे आपका जूता टाइट होता है। लूज करने के लिए बस आपको करना क्या है, इस पुल टैब को ऊपर खींचोगे, ये टक से आवाज करता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक लूज हो जाता है। लूज करने में कोई एफर्ट नहीं लगाना आपको, टाइट करने के लिए बस इस बटन को आपको टक से वापस नीचे दबाना है, और ऐसे करके रोटेट करोगे तो ये पूरा ऐसे टाइट हो जाता है। एंड ट्रस्ट मी, साउंड बहुत ज्यादा अमेजिंग आती है। साइड में आपको प्लास्टिक का एक क्लिप देखने को मिल जाएगा जो कि इसके ओवरऑल डिजाइन का पार्ट है। कंफर्ट में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मल्टीपल कलर्स देखने को मिल जाएंगे। 2000 रुपए के अंदर का जूता है, एंड ट्रस्ट मी दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाई रेड टेप, होना चाहिए था लेकिन। ऑलराइट, नेक्स्ट जूता आ गया हमारे पास में भाई, रेड टेप का एक और अमेजिंग सेम बॉक्स, लेकिन प्राइसिंग यहाँ पर वही है ना सराब, 7599। सारे जूते में आपको 70-80% ऑफ मिलने वाला है, वो आपको पता ही होगा, हम इतने सारे रेड टेप के वीडियोस बना चुके हैं। Just look at this भाई, देखो स्पेशली हम व्हाइट कलर इसे चुन रहे क्योंकि देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। सारे जूतों के आपको कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। पर्टिकुलर इस जूते की बात करें, पूरा जूता नेटेड फैब्रिक का बनाया गया, ऊपर में आपको रबर कोटिंग्स देखने को मिल जाएगी जिससे मड में भी प्रोटेक्शन होता है, साथ ही ओवरऑल बॉडी में ना एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है। नॉर्मल आपको व्हाइट कलर का लेस देखने को मिल जाएगा, मेश आपको पूरा टंग मिलता है, रेड टेप के ऊपर में आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, साइड साइड की पैडिंग वैडिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। इनसोल में वापस हरा डालकर इन्होंने कलर थीम में भी ना मिसमैच कर दिया, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आता। वेंटिलेशन में भाई प्रॉपर आपको हेल्प करेगा ये जूता, साथ ही बैक में आपको पुल टैप मिसिंग मिलेगा, पता नहीं क्यों नहीं डाला, लेकिन हाँ बैक में आपको पूरी रबर कोटिंग देखने को मिलती है। बैक में आपको ना एक इल्यूमिनेटेड या 3D टाइप का इन्होंने ना ब्रांडिंग दिया है, एक साइड से देखोगे तो रेड टेप का लोगो दिखता है, दूसरी टाइप से रेड टेप लिखा हुआ दिखता है। मिड सोल की बात करें तो यहाँ पर आपको डिजाइनिंग के साथ साथ एक बड़ा सा क्लिप देखने को मिल जाएगा जहाँ पर बैक में रेड टेप की ब्रांडिंग मिलेगी, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, कुशनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और काउंट करते रहो कि कितना मैं बहुत बोलता हूँ, लेकिन जो भी बोलता हूँ देखो ब्रांड अच्छा काम करती है इसलिए बोलता हूँ, नहीं काम करेगी जिस दिन अच्छा उस दिन खराब भी बोलूंगा, इतना भाई पे ट्रस्ट रखना। मिडसोल की अगर क्वालिटी की बात करें, सॉफ्टर है, अच्छा है, स्मूथ है, लेकिन पहले वाले जूते की तरह बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, लेकिन बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ना ही समझ में आएगा। ये ठीक वैसी बात है कि एप्पल लॉन्च करते जा रहा है A20, A16, A17 ला देगा चिप को अपग्रेड करते करते, लेकिन यूजर एक्सपीरियंस में ना वो कुछ फील नहीं होता हमें, ठीक वही बात यहाँ पर भी है। नीचे की तरफ आपको हार्डवर्क ग्रिप देखने को मिल जाएगा, काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी है, ब्लू कलर इन्होंने दिया है, जब आप रन वन करोगे ना तो काफी ना पॉपी सा एक एक्सपीरियंस आप पीछे वाले को देखने में लगेगा। नीचे की तरफ आप इसके फोम का एक्सपीरियंस कर सकते हो, रेड टेप की यहाँ पर भी आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, फ्रंट में भी आपको ब्रांडिंग मिलती है, ओवरऑल कहीं से भी ये जूते में कोई कमी नहीं है। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डेफिनेटली जाना चाहो जा सकते हो। हम चलते हैं नेक्स्ट जूते की तरफ। ऑलराइट, नेक्स्ट जूता भाई आ गया हमारे पास में, एक और खूबसूरत सा लेकिन थोड़ा सा अलग बॉक्स, क्योंकि इसके अंदर है एक स्नीकर। रेड टेप क्लासिक आपको बॉक्स देखने को मिल जाएगा, प्राइसिंग यहाँ पर भी लिखी हुई है, छोड़ो यार देख लो बीरोल। फटाफट भाई अनबॉक्स करते हैं, और इसके अंदर है नोनी नूना टाइगर। ऑलराइट, जस्ट
Look at this, भाई। I know आपके दिल में क्या चल रहा है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। First of all, अगर look की बात करें, color इसमें majorly आपको दो देखने को मिलने वाला है, green color and navy blue color। बहुत clear color combination है। पूरी body आपको leather की देखने को मिल जाएगी, multiple leather patches देखने को मिल जाएंगे। ये exact leather नहीं है, इसे synthetic leather आप बोल सकते हो। इस old के side में आपको patch मिलता है, cream color का आपको lace मिल जाएगा, cotton का है, बहुत अच्छी बात है, अच्छे से ना टाइट होता है। पतला सा वेल पैडेड आपको टंग देखने को मिल जाएगा, रेड टेप की ब्रांडिंग के साथ टंग होल्डर मिलता है। साइड साइड की पैडिंग बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस जूते से इंस्पिरेशन लेकिन उन्होंने बनाया ना ये जूता, उसमें भी वैसे कुछ पैडिंग होती नहीं है। इनसोल की पैडिंग में इन्होंने पूरा दम लगा दिया, अंदर में आपको वेंटिलेशन के लिए होल्स देखने को मिल जाएंगे विद द ब्रांडिंग। एंड ओवरऑल आउटर सोल की बात करें, 3 लेयर्स में से बनाया गया है। ऊपर वाला और व्हाइट वाला जो आप लेयर देख रहे हो वो फोम है, और उसके नीचे में आपको हार्डवेयर मिलता है, जहां पर आपको मिल जाएगा उछलता हुआ सेल। बाकी सेम आपको वैसे ही फ्लैप देखने को मिल जाएगा रेड टेप की ब्रांडिंग के साथ, और सिर्फ आउटर साइड में आपको रेड टेप की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। भाई रेड टेप की इतनी सारी ब्रांडिंग है ना, एक शेर है, एक नॉर्मल ऐसे वाला है, एक उसमें थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है तो एथलीजियर वाला वो हो जाता है। काफी ज्यादा खूबसूरत, सिंपल, लो टॉप, समर के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा अच्छा स्नीकर है। वैसे इस वीडियो से पहले हमने एक अमेजिंग स्नीकर की हॉल कवर की है, सिर्फ और सिर्फ रेड टेप की। सारे लेटेस्ट स्नीकर हमने कवर किए हैं, अगर आई बटन में देख सकते हो, लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, या फिर चाहो तो चैनल में जाकर सब्सक्राइब कर लो, डेली नोटिफिकेशन आपको टन टन मिलते रहेंगे, मजा आएगा। मैं कैसा लग रहा हूं, ये सारी चीज आप पीछे देख लो। आई नो इसकी डिजाइनिंग ओनित्सुका टाइगर से ली गई है, लेकिन बाकाबोकी भी कर रही है, बहुत सारे ब्रांड कर रहे हैं, तो अगर ओनित्सुका टाइगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें क्यों है भाई, हमारे पैसे बच रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट जूता हमारे रेड टेप का है, हमारे पास में एक और खूबसूरत से बॉक्स के साथ, और प्राइसिंग जो है मिलके करते हैं, हंसते हैं, फटाफट जूते को भाई अनबॉक्स करते हैं। जस्ट लुक एट दिस, लिटरली देखने से ना भाई एक एक्सपेंसिव जूता लगता है, ट्रस्ट मी। और ये अब तक तो आप सब भी फील करने लग गए होंगे। फटाफट अगर कागज निकाल के वेट की बात करें तो काफी ज्यादा हल्का तो मैं इसे नहीं कहूंगा, थोड़ा वेट फील होता है इसमें। पूरी बॉडी आपको मैच की देखने को मिल जाएगी, पूरा व्हाइट कलर का जूता है, मल्टीपल ऑप्शंस भी मिल जाएंगे कलर के, तो कलर में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और थोड़ा सा स्लो बोलने की मैं कोशिश कर रहा हूं। पूरे जूते के ऊपर ना आपको रबर की पैचिंग यहां पर देखने को मिलती है, और पूरे पैचवर्क के थ्रू यहां पर डिजाइन किया गया है। अरमानी एक्सचेंज का ना एक जूता मुझे याद आता है इसको देखकर, और थोड़ा सा एसिक्स वाला भी वाइब आ रहा है, हालांकि कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। रेड टेप की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, इम्बोज्ड है, थोड़ा सा आप टच करके फील कर पाओगे। लेस आपको व्हाइट कलर का मिल जाएगा, मेश का पूरा टंग मिलता है, ऊपर आपको पुल टैप मिल जाएगा जिसके ऊपर ब्रांडिंग है, बैक में आपको एक पुल टैप मिल जाएगा, और नीचे की तरफ अगर देखोगे ना तो एग्जैक्टली पिछले वाला जो हमारा एकदम फर्स्ट वाला जूता था, ये ट्रटर वाला, एग्जैक्टली वैसा ही इसका भी आउटर सोल इन्होंने रखा है, कोई चेंज नहीं है। सही बताऊं तो कोई चेंज की ना भाई जरूरत भी नहीं है। तरफ अगर देखोगे ना तो हल्का सा ये ना थोड़ा निकला हुआ है, ये एस्थेटिक वाइज ना काफी ज्यादा हेल्प करता है, एंड तक आपके पैरों को ना सपोर्ट मिलता है इससे। इनर सोल की क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी, बहुत ज्यादा लचपच लचपच नहीं करेगा, एक स्टडी बाउंसी फील होगा आपको। पहन के मैं कैसा लग रहा हूं, ये सारी चीज आप पीछे देख लो, एक बहुत अच्छा चंकी स्नीकर, कैजुअल स्नीकर, स्पोर्ट्स जूता हो सकता है आपके लिए, जिम में पहन के जा सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट जूता आ गया भाई हमारे पास, फटाफट इसे निकालते हैं। भाई साहब छप्पर तोड़ दी भाई कंपनी। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें, पूरी बॉडी आपको मैच के देखने को मिल जाएगी, फ्रंट में थोड़ा सा ग्रीन यूज किया गया, बैक में पूरा ऑरेंज, उस पर हम बाद में आएंगे थोड़ा सा, लेकिन ओवरऑल ऊपर में ना आपको एक रबर कोटिंग से फील होगी, फ्रंट में, साइड साइड में, लेस होल्स के पास में, बैक में, और वो रबर कोटिंग हमने बहुत सारे जूतों में देखी है, लेकिन इसकी रबर कोटिंग ना भाई थिकेस्ट मुझे फील हुई। आपको पूरा लेस मिल जाएगा, पूरा मैश का आपको टंग मिलता है। फिर से मेंशन करना चाहूंगा मैश की क्वालिटी भाई हद लेवल नाइक की लेवल की है। साइड साइड की पैडिंग वैडिंग बहुत ज्यादा अच्छी, इनसोल की पैडिंग भाई जबरदस्त है, ग्रीन है, लेकिन अब ग्रीन से मैच कर रहा है तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। बैक की तरफ आपको एक फुल टैप मिलता है, और एग्जैक्टली इसका भी जो आउटर सोल है, चाहे कुशनिंग की बात करें, कंफर्ट की बात करें, बीच के क्लिप की बात करें, या नीचे के हार्ड रबर ग्रिप की बात करें विद द ब्रांडिंग, सारी चीजें सिमिलर है इस वाले जूते से, इसके पहले वाले जूते से, उसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आउटर साइड में यहां पर आपको बड़ी सी रेड टेप की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, जिसमें एरो बनाया गया, और वापस से कहना चाहूंगा बहुत ज्यादा ही ना अपनी ब्रांडिंग्स को चेंज करते हैं। बाकी ओवरऑल पहन के मैं कैसा लग रहा हूं, ये सारी चीज आप पीछे देख लो, सारे जूते काबिलियत तारीफ है। इसकी जो बनावट है ना थोड़ी सी स्पोर्टी अंडर आर्मर टाइप की है, लेकिन इसका जो कलर पैलेट है नाइकी के कलर पैलेट से उठाया हुआ है, जो कि आप रेफरेंस देख सकते हो। हालांकि हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं कि मुझे कितना पता है। डेफिनेटली जाना चाहो जा सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में एक और चीज आपको मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, जाकर सब्सक्राइब करो, बहुत सारे फैशन डील्स, इलेक्ट्रॉनिक डील्स, डेली लाइफ के डील्स हम वहां पर शेयर करते हैं, जिससे आपकी शॉपिंग हो सके आसान। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। नहीं जूता आ गया हमारे पास, फटाफट इससे
दूर भागते हैं। ऑलराइट, जस्ट लुक एट दिस। भाई मानना पड़ेगा भाई, कंपनी जो डिजाइन कलर यूज करी है ना, ये अदर इंडियन ब्रांड्स को ना सीखना चाहिए। बहुत ही सटल पाउडर ब्लू टाइप का कलर है, पूरी बॉडी आपको मैच की देखने को मिल जाएगी इसमें। और सारे जूतों में ना एकदम ही एडवांस लेवल का फैब्रिक यूज किया गया है, और ऐसे फैब्रिक्स ना भाई पहले मैं नाइकीज में ही देखता था। रबर की आपको चारों तरफ कोटिंग मिल जाएगी, रेटिव की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, बैक की तरफ आपको ड्रिफ्ट प्लस लिखा हुआ मिल जाएगा, ये नाम इसके मिडसोल को रिप्रेजेंट करता है। अंदर की तरफ आपको ऑरेंज का इंसोल मिलता है, और ऑरेंज मतलब मेमोरी फोम। अगर आपको निकाल कर दिखा ही देते हैं भाई एक बार, भाई बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी है। फ्लो प्लस इन्होंने अपना नाम दिया हुआ है, साइड में फेंकते हैं। मेश का पूरा आपको टंग देखने को मिल जाएगा, ऊपर में आपको एक पुल टैब मिलता है जहां पर ट्रांसलूसेंट टाइप का भी एक पैच लगाया गया, थोड़ा सा स्टाइलिश हो जाता है। ब्लैक कलर का आपको लेस देखने को मिल जाएगा, बैक की तरफ भी आपको पुल टैब मिलता है। मिड सोल की बात करें, यहां पर ईवीए फोम का यूज किया गया है, इसमें बहुत सारे होल्स डाले गए हैं, और इसी होल से मुझे याद आ रहा है स्केचर्स की हमारी वीडियो जो हमने जस्ट डाली थी। स्केचर्स के जूते खोल रहे हो जाकर वो वीडियो देख सकते हो। नीचे की तरफ आपको इसमें कोई हार्ड रबर ग्रिप नहीं मिलता। ओवरऑल पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। मैंने सारे जूते खुद से खरीदे हैं, बस इसलिए ताकि आपको एक जेन्युइन रिव्यू दिया जा सके। अगर ये ऑनेस्टी अच्छी लगी है, मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस।